जन्माष्टमी पहले तो पूरे देशवासियों को और खासकर बिहार वासियों को और पटना के तमाम लोगों को मैं जन्माष्टमी की ढेरों सारी शुभकामनाएं देने का काम करता हूँ। और बांके बिहारी मंदिर में यहाँ पे बांके बिहारी बीपीएससी के पीछे बांके बिहारी शिव मंदिर में यहाँ पे जन्माष्टमी का हमने आयोजन करने का काम किया। पिछले साल भी हमने जन्माष्टमी का आयोजन किया था और हर एक साल हम और अभी हम फास्टिंग पे भी हैं, हमारा फास्टिंग भी है, व्रत भी हमारा चल रहा है जन्माष्टमी का। और उस मौके पे हमने पिताजी को यहाँ बुलाया, आमंत्रित किया और पहला बार यहाँ मंदिर पे वो आए और पूजा अर्चना वगैरह करने का काम किया। इस बार क्या मांग रहे हैं श्री कृष्ण से? श्री कृष्ण से जो मांग रहे हैं वो तो बहुत जल्द पूरा होने वाला है और पूरा होगा भी, और क्या मांग रहे हैं वो नहीं बताया जाता है, जो मांगते हैं वो चीज़ बताते नहीं हैं। हाँ, उन्होंने आशीर्वाद दिया है और हम भी भगवान कृष्ण से, क्योंकि फास्टिंग किए हुए हैं तो उसमें हम प्रार्थना करते हैं कि वो भी स्वस्थ रहें और आगे जो उनका है चाहने वाले लोग जो हैं उनका लोकप्रियता बना रहे। लालू जी ने कहा भी कि एक बार आप विजय हो, आप लोग इतना पूजा पाठ करते हैं लेकिन आप लोग को कहा जाता है कि आप लोग सनातन धर्म को नहीं मानते हैं, हिंदू धर्म में आस्था नहीं रखते हैं। जो लोग इस तरीके का बात करते हैं उनके दिमाग में रावण और असुर बसे हुए हैं, तो उनके दिमाग से निकालना होगा हमको। हम किसी पर्टिकुलर आदमी को रावण या असुर नहीं कहते हैं, हम रावण असुर इसलिए कहते हैं कि उनके दिमाग में जो गंदगी भरी हुई है उस गंदगी को साफ कर लें। और जन्माष्टमी के मौके पे वो यहाँ आकर कभी वो बाबा का और कृष्ण भगवान का आशीर्वाद ले सकते हैं। आपके चैनल के माध्यम से कहते हैं जो लोग इस तरीके का सोचते हैं, इस बाकी बिहार मंदिर पे भी काफी कृपा रही है, द्वेष पैदा किया जा रहा है इस तरह से सनातन धर्म, क्या क्या कह करके समाज में एक तरह से द्वेष की भावना पैदा की जा रही है, क्योंकि अघोर कलयुग आ चुका है। कलयुग में तो मैं पूरे तरीके से देख लीजिए कि कृष्ण ने कहा, कृष्ण भगवान ने कहा यदा यदा ही धर्मस्य, यदा यदा यानी जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्मी लोग जब पूरे बढ़ जाते हैं तो उसका नाश करने के लिए भगवान श्री कृष्ण इस धरती पे, इस धरातल पे अवतार लेते हैं। तो ये कृष्ण के भक्त अवतार के रूप में आगे बढ़ेंगे इस समाज को? देखिए, ये आप कहिएगा तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे, आपके कहने से नहीं बढ़ेगा। आदमी जहाँ बढ़ना होगा वहाँ खुद ब खुद आदमी बढ़ता है, किसी के कहने से और किसी का टांग खींचने से और किसी को उल्टा फुल्टा बोलने से आदमी का जो आगे बढ़ता है उसको कोई गतिविधि जो होता है उसका रोक नहीं सकता है। तो इसलिए जो लोग भी अपने भावना जिस तरीके का लोग बनाते हैं उसी तरीके का विचार भी या चाल चलन भी उसी तरीके से हो जाए, दिमाग से ही लोग चलता है तो दिमाग से आगे आदमी इधर उधर हो जाता है तो वो आसुरी शक्तियाँ में सम्मिलित हो जाता है, तो वह आसुरी शक्ति में जो सम्मिलित हो जाता है तो फिर उसका विकास नहीं हो सकता है। तो उन आसुरी शक्ति वाले जो जितने दिमाग के जितने जो भाजपा में जो भरे हुए हैं पॉलिटिशियन लोग, उन लोगों को हम यही कहना चाहेंगे कि आपस में इंसानियत का और जिस तरीके से वो लोग द्वेष जो फैलाने का काम कर रहे हैं समाज में, उसको हम तो ये कहेंगे, प्रार्थना करेंगे उन लोग के लिए भी हाथ जोड़ करके ठाकुर जी से हम प्रार्थना करना चाहेंगे कि जितने भाजपाइया हैं जिस तरीके से रिमर उड़ाते हैं उनको भगवान सद्बुद्धि दे। बांके बिहार मंदिर के बारे में भी कुछ कहना चाहेंगे काफी यहाँ के बारे में? बांके बिहारी शिव मंदिर में बहुत बड़ा खासियत है, चमत्कार भी यहाँ होता है, यहाँ दो दो गो एसी हम लगाए हैं लेकिन जब पुजारी बाबा को खोलते हैं सुबह सुबह तब पसीना से पूरा लथपथ रहते हैं बाबा। यहाँ का महत्व है बांके बिहारी शिव मंदिर में, सभी दर्शक देख रहे होंगे चैनल के माध्यम से, सबको हम बोलेंगे कि यहाँ बांके बिहारी शिव मंदिर में आइए और दर्शन कीजिए। आप लोगों को गिर जाएंगे नमन करता हूँ प्रणाम करता हूँ, हम लोग के देवता हैं कृष्ण, हमारे देवता हैं इष्ट देवता हैं। अरे भैया उठना का है, आगे बढ़ा रहे बोलने दो यार। उस मंदिर में भी गए, यहाँ इस्कॉन मंदिर में भी गए, लाखों लोग वहाँ लाइन लगा के श्री राधे कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं। मैं भी प्रणाम किया, नमस्कार किया। इसके बाद
तेज प्रताप मेरे पुत्र द्वारा बांके बिहारी शिव मंदिर का स्थापना यहाँ किया गया है। यहाँ भी मैं आकर मत्था टेकता हूँ, टेका हूँ, और विश्व शांति प्रदान कर। रविवार को देवघर भी शपथ की मैं जा रहा हूँ। सोमवार आतवार के सोमवार को वहाँ पूजा करेंगे, जल देंगे, सभी लोगों में ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। तेज प्रताप को पूरा विजयी बनावें और तरह से निरोग रखें, शांति प्रदान करें। सर, देश के हालात को क्या कहेंगे, जिस तरीके से देश का हालात बना हुआ है उसको क्या? भारत और इंडिया का जंग पीछे कर लीजिएगा, छिड़ा हुआ तो सबका निराकरण करेंगे। श्री कृष्ण भगवान परमात्मा से बड़ा कोई नहीं है। इंडिया ये लगकर आगे कीजिए, जो संगठन हम लोगों ने बनाया है बिल्कुल विजयी होगा। हमारी जीत चलिए तो सनातन धर्म को लेकर बात कर रहे हैं, पीछे हम कह रहे थे कि सनातन धर्म में बीजेपी ढोंगी है, उसको पगलाया हुआ है बीजेपी। तो बात के बात बनाता है, जिसको जो लगे जिस देवता को कोई शोर को, सबका मालिक एक है, सबका मालिक एक है। राम को हो या रहम को हो, शास्त्र को हो। मोहन भागवत आरक्षण पर भी बोल रहे हैं, बोले कि बहुत सारे लोगों को अभी तक आप विरोधी है। गोरु गोरवलकर ने जो लिखा है, देख रहे भैया नहीं जा रहा पैर मेरा, पंच ऑफ थॉट में, पंच ऑफ थॉट में वही मोदी कर रहे हैं, वही गुरु गुरु ये कर रहे हैं। मोहन भागवत रिजर्वेशन के खिलाफ बोला, पंच ऑफ थॉट में भी नहीं होंगे। नीचे तो भगवान श्री कृष्ण को फूल अर्पित करते हुए तेज प्रताप यादव जो हैं यहाँ पे लालू प्रसाद यादव के पास जो है कृष्ण जी की प्रतिमा लेकर आए, जहाँ लालू प्रसाद यादव ने देखिए यहाँ तस्वीरों में साफ तौर पे फूल अर्पित कर और भैया आप तो सब कैमरा पीछे तो लालू प्रसाद यादव तेज प्रताप यादव के साथ देखिए जो है शिव मंदिर, राधा कृष्ण मंदिर है यहाँ पे। अब शिवलिंग देखिए फूल अर्पित कर रहे हैं और पूजा कर रहे हैं जन्माष्टमी के मौके पर। जो है तेज प्रताप यादव काफी भव्य तरीके से जन्माष्टमी मनाते हैं और लालू प्रसाद यादव भी पहुँचे हैं तेज प्रताप यादव के साथ और जन्माष्टमी मना रहे हैं। देखिए तस्वीरों में साफ तौर पर लालू प्रसाद यादव जो है राधा कृष्ण मंदिर है यहाँ तेज प्रताप यादव के साथ पूजा अर्चना कर यहाँ जन्माष्टमी मना रहे हैं, क्योंकि तेज प्रताप यादव जो हैं उन्हें
कृष्ण जी से ज़्यादा लगाव है, तो जन्माष्टमी उनके लिए काफ़ी खास है। लगातार वो वृंदावन भी जाते रहते हैं और एक अलग प्रेम है जो है जन्माष्टमी के मौके पर तेज प्रताप का। और देखिए तेज प्रताप यादव की वेशभूषा भी आप देख सकते हैं, जो है पीले रंग का वस्त्र धारण किए हुए तेज प्रताप यादव, और जो है लालू प्रसाद यादव के साथ इस मंदिर में जो है पूजा कर जन्माष्टमी मना रहे हैं। और तेज प्रताप यादव और लालू प्रसाद यादव देखिए अब जो है बाहर निकले, तेज प्रताप यादव साथ में है उनके, और यहाँ अब देखिए तेज प्रताप यादव जो है लालू प्रसाद यादव को मंदिर प्रांगण में बैठा रहे हैं। और यहाँ जो है गीत संगीत का कार्यक्रम है और धूमधाम से यहाँ पे मनाया जाएगा। और देखिए लालू प्रसाद यादव को गर्मी ना लगे क्योंकि बीमार चल रहे हैं।